हेलो इन व्हाट्सअप जमार्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्राउच, प्रोन, पीक, जंप, हक, उस सब को एकदम बढ़िया से यूज़ करना सिखाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो को पूरा देखो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको आपका गेम प्ले इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकें। तो गाइस, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं और हमने अपने बटन को थोड़ा सा डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऊपर से मैं जहाँ जहाँ टैप कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे वाइट कलर का डॉट दिख ही रहा होगा, यह देखो जो स्टिक के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले हम पिक बटन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये देखो। तो गाइस, पता है ये बेकार सी चीज़ है, पर कभी ट्राई मत करियो। ये चीज़ बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, चाइनीज़ लोग करते थे तो अपन इंडियन लोग भी ऐसा करने लगे। पर गाइस, जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर कंटेंट जो बना रहे वो ऐसे मारेंगे तो सामने वाला बोलेगा भाई क्या ही बंदा मार रहा है, एकदम पिक कर करके। तो गाइस, ये चीज़ बहुत बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। इससे देखो, आपकी मूवमेंट तो इतनी तगड़ी होगी नहीं, ऊपर से आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और आपको कोई भी मार देगा। तो गाइस, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अपने व्यूवर्स को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। तो गाइस, ये तो थोड़ी बेकार सी बातें हो गई, मतलब फालतू की बातें जो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, ऐसे ऐसे मारो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या कैसे यूज़ करना चाहिए पिक बटन को। तो गाइस, मान लीजिए आप कहीं कवर पर हो, ठीक है, सामने से बंदा आ रहा है तो ऐसे करके मारो। वैसे अगर ऐसे मारोगे तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं होगी, सिर्फ आपका हेड ही एक्सपोज होगा, समझ रहे हो? मतलब उस बंदे का आपके ऊपर एम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, अगर कोई बंदा ओपन आ रहा है, आप कवर में हो, तो भाई पीक करके मारो, ताकि आपका सिर्फ हेड एक्सपोज हो और आप उसको ईजिली मार सको। अगर आप पूरी बॉडी एक्सपोज करोगे तो भाई, मतलब 100% आप बॉडी एक्सपोज कर रहे हो तो 100% चांस हो जाएगी कि आप मरोगे। 100% तो नहीं, वो बंदे का एम तगड़ा नहीं रहा, आप उसको मार दोगे। पर गाइस, अगर आप सिर्फ अपनी 20% बॉडी एक्सपोज करते हो तो मान लीजिए 80% आपके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गाइस, जब आप कवर में हो, कोई बंदा ओपन में आ रहा है, तो पिक का यूज़ करो। और गाइस, और पिक के यूज़ बताता हूँ मैं, जब आप लॉन्ग रेंज स्प्रे दे रहे हो तो क्राउच पिक एंड शूट करो, ताकि आपका जो रिकॉइल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ताकि आपका स्प्रे एकदम सही जाए, आप कोई दूर बंदे को नॉक कर दो। तो गाइस, अगर आप ओपन में भाग रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, और मान लीजिए ये बंदा है, ठीक है, ऐसे ऐसे भाग रहे हो, तो ऐसे क्राउच पिक एंड शूट करो, ताकि आपका स्प्रे एकदम एक्यूरेट रहे, और जो बंदे ने पहले फायरिंग की है उसका एम मतलब इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, वो खड़े खड़े मार रहे, तो आप उसको रिफ्लेक्स से के मार सकते हो। देखो, मेरा पिक होल्ड पे जब मैंने छोड़ा तो सीधा हो गया। तो गाइस, ट्राई करो, लॉन्ग रेंज स्प्रे दे रहे हो तो पिक करके मारो, और अगर कवर में हो, ओपन में बंदा आ रहा है तो भी पिक करके मारो। अगर गाइस, आप अगर स्टार्टिंग ही कर रहे हो, ऐसे कभी आपने ट्राई नहीं किया कवर में हो पिक करके मारते हो, अगर आप नया नया सीख रहे हो तो आपसे बहुत मिस्टेक होगी, पर उसकी प्रैक्टिस करो, सही हो जाएगा। देखो क्या मिस्टेक होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पिक करके मारोगे तो ज़्यादा बॉडी एक्सपोज हो जाएगी, मतलब कवर के बाहर आप बहुत ज़्यादा आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। तो गाइस, आप जब पिक करके मारो तो आपको जॉयस्टिक को छोड़ना नहीं है, ऐसे मूवमेंट रखनी है, फिर ऐसे मारना है। देखा गाइस, आपने देखा होगा मेरा जॉयस्टिक क्या क्या हो रहा था। तो इनसे क्या होगा कि अगर वो बंदा मार रहा है तो आप एकदम तुरंत से अंदर जा सकते हो, अगर आपने जॉयस्टिक साथ उठा लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जॉयस्टिक को टैप करोगे, फिर ऐसे आओगे तो टाइम लगता है, तो वो बंदा आपको हेड मार के मार देगा। आपको लगता है पिक करके मार रहे हो, वो बंदा आपको मार सकते हो, तुरंत कवर में आ जाओ, ज़्यादा पिक मत रखो, ऐसे मारो, ऐसे आ जाओ, ऐसे मारो, ऐसे आ जाओ, तो आप गाइस ऐसे कर सकते हो। तो गाइस, ये तो होगी पिक की बात, अब बात करते हैं क्राउच, प्रोन एंड जंप। तो गाइस देखो, क्राउच बटन आपको कब यूज़ करना चाहिए। तो गाइस देखो, अगर आप खड़े हो, सामने बंदा है और आप ऐसे देखने जाओगे तो मार देगा। अगर गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते, सामने बंदा है ऐसे खड़े, ऐसे जाके ऐसे मारते, तो भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अगर देखो, आप देखो पहले कितना बॉडी एक्सपोज कर रहे हो, और भाई आपके मरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो बंदा सही रहा, उस ऊपर से आपके रिफ्लेक्स भी कम हो जाएगा। तो आप ऐसी जगह पे क्या करो, मान लीजिए सामने बंदा है, ठीक है,
तो आप क्राउच करके बैठो, फिर ऐसे मारो, मान लीजिए पेड़ के पास बंदा है। मैंने ये मान के यहाँ पे फायरिंग किया था कि जो ये पेड़ है उनके लेफ्ट साइड बंदा है। अगर आप ऐसे करके मारोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो स्कोप इन करेगा तब तक आप उसको मार के अंदर चले गए होगे डैमेज देके। अगर अच्छा बंदा है कॉम्पिटिटिव में तो यही सीन होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो तो भाई अगर आप ज़्यादा देर ऐसे पिक करके रहे तो वो आपको मार देगा, तो आपको क्राउच बटन का यूज़ करना है। और गाइस अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो, खेलना चाहते हो, तो उसमें आपको बहुत बातें ध्यान रखनी है। अगर गाइस आप कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो तो गाइस जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जब इंडियन वर्जन आएगा तब कॉम्पिटिटिव का सीन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हम डेली गेम प्ले डालेंगे कॉम्पिटिटिव का, और गाइस उसमें हम कैसे कैसे खेले पूरी स्ट्रेटेजी सब समझाऊंगा, ए टू जेड चीज़ें। तो गाइस जरूर से हमारे चैनल से कनेक्ट रहेगा, ताकि हम जब भी कोई ऐसा वगैरह वीडियो डाले अपकमिंग, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर पाओ। तो गाइस अब मैं बताता हूँ क्राउच बटन का और कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो गाइस मैं अब बताता हूँ कि और क्राउच बटन का क्या यूज़ है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, अगर कोई बंदा आपको मतलब पता है बंदा है सामने, तो आप कैसे मारो उसको देखो। अगर वो अच्छा बंदा रहा, पहला उसने हेड कनेक्ट कर लिया, तो आपको मरना है। तो आपको ऐसी जगह क्या करना है, ऐसे जाना है, तो गैस आपको ऐसा करना है ताकि देखो अगर अच्छा बंदा रहा, उसने पहला हेड कनेक्ट कर लिया, तो आपको मरना नहीं है। अगर आप ऐसे मूवमेंट करोगे तो भाई देखो आपका जो स्टिक भी ऐसे मूवमेंट कर रहा है, मतलब जिगल भी हो रही है और ऐसे क्राउच भी हो रहा है, तो मतलब आप सोच सकते हो कि सामने वाले बंदे के एंगल से कितना मुश्किल होगा आपके ऊपर एम बनाना। तो गैस ऐसा करके आप क्लोज फाइट बहुत आसानी से जीत सकते हो, और गैस अच्छे से अच्छे बंदे को धूल चटा सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्रोन बटन की, कि देखो गाइस अगर आप कहीं मतलब प्रोन बटन को अब यूज़ करना है, मतलब आप जा रहे हो, कोई ने अनएक्सपेक्टेड किसी ने मारा यहाँ से, तो आप प्रोन करके ऐसे मारो ताकि उस बंदे का एम चूक हो जाए और उसको आप मार सको। अगर गाइस ऐसे खड़े खड़े मारोगे तो पता ही है कि उसने ऑलरेडी आपके ऊपर एम बना लिया है, और एम असिस्ट के हिसाब से भाई आप कितनी मूवमेंट करो आपको मार देगा। तो आप ड्रॉप शॉट मारो ताकि जो बंदा है उसका एम चूक हो जाए और आप उसको आसानी से मार सको। देखो मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे बंदा है, आप ऐसे जा रहे हो, तो गाइस ऐसा करोगे तो भाई बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है ड्रॉप शॉट का। और गाइस आप प्रोन बटन को और भी जगह यूज़ कर सकते हो, कि अगर देखो मान लीजिए इसके पीछे बंदा टीपी पे रहा है, आपको पता है वो निकलने वाला है, तो आप ऐसे मार सकते हो। पर गाइस अगर आपकी एचपी कम है तो ये ट्राई करो, वरना देखो अगर आप प्रोन हुए ऐसे और वो बंदा कवर में चला गया, तो देख लेगा भाई ये तो लेटा हुआ है, और आराम से जंप शॉट या कुछ भी करके मार देगा। अगर आपकी एचपी कम है तो ये ट्राई करो, वरना कभी भी ये ट्राई मत करो। तो अब बात कर लेते हैं जंप की, तो गाइस आपको जंप बटन का कब यूज़ करना चाहिए। तो गाइस देखो अगर आपकी एचपी कम है, कोई बंदा रश कर रहा है, तो आप अगर है ना ऐसी जगह पे ऐसे जंप शॉट ट्राई करोगे तो क्या होगा कि आपका पहला हेड कनेक्ट होगा, ऊपर से उस बंदे का एम नहीं बनेगा और आपको इजीली मार दोगे। देखो गाइस और दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे बंदा है, ठीक है ये जगह पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे उसका हेड है, तो गाइस आप ऐसा करके मारोगे तो भाई सही बता रहा हूँ, वो बंदा आपको बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा आपको मारना इसी जगह पे। और गाइस आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हो जंप बटन का। और दूसरी बात तो ये कि भाई उसका हेड तो कनेक्ट होगा ही नहीं आपके ऊपर, तो गाइस समझ ही सकते हो कि आपका पहला हेड कनेक्ट हो रहा है और उसका पहला हेड कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको आराम से मार ही दोगे। और गाइस देखो अब हमने सारी बात कर ली क्राउच पिक प्रोन बटन की, तो गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू इतनी अच्छी मूवमेंट कैसे कर लेता है। तो गाइस देखो अगर आपको अच्छी मूवमेंट करनी है तो देखो पहले तो आपको जो जॉयस्टिक है उसकी जो साइज़ है ना, वो एकदम आपके
किसके जगह है ना नीचे वाली ये जगह उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ बहुत सारी जगह है तो आप उसको थोड़ा बड़ा रख सकते हो, अगर छोटी जगह है तो उसको एकदम छोटा कर दीजिए। अगर देखो मेरी तरह ऐसे फरचक फड़े सब कुछ लेफ्ट साइड, अगर जो स्टिक हिलाने की जगह थोड़ी सी है तो उसको एकदम छोटा कर दीजिए। पर गाइस अगर आपको एक्यूरेट मूवमेंट चाहिए तो इसको आप 100 से 80 के बीच में रखें ताकि उनसे एक्यूरेट मूवमेंट होती है। तो गाइस पहले तो जो स्टिक की साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि आपको मूवमेंट कैसा करना है। देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसा करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। मतलब इतना फास्ट करोगे तो भाई वो बंदा मतलब कुछ एम नहीं घुमाएगा, एक जगह मारता रहेगा फिर भी आप मर जाओगे, तो आपको कैसे मारना है देखो। तो गाइस आप ऐसे मारो, तो गाइस आप ऐसे मारोगे तो भाई थोड़ी आपकी थोड़ी लंबी जिगर हो रही है, मतलब कि देखो ऐसे इतना इतना जा रहे हो तो वो बंदा एक जगह मारेगा तो मतलब पता ही उसका एम बनने वाला तो है नहीं। तो गाइस आप ऐसे ट्राई करो ताकि आप क्लोज पर जीत सको। और गाइस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो स्टिक की तो कुछ मत करो, TDM में जाओ, स्कोप इन करे बगैर बंदे मारने की ट्राई करो। अगर आपसे फिर भी स्कोप इन हो रहा है तो कंट्रोल में जाओ, इसको डिसेबल कर दो, फिर आप ट्रेनिंग मोड में जाओ, सॉरी TDM में जाओ, बंदे पे लो, ओनली जिगल करो, कुछ मत करो, जिगल करो, बंदे के हेड पे एम बनाओ, ऐसे ऐसे मारो। तो गाइस ये वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आप मेरे को सजेस्ट करो कि मैं अब जो नई वीडियो बनाऊँ वो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि भाई मुझे तो समझ नहीं आता डेली नया नया टॉपिक। तो गाइस आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, अगर मेरे को अच्छा लगा तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।